गांधी सेंटर फॉर नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स उसको किया जाएगा, जो अभी है, क्योंकि हम चाह रहे हैं और जरूरत तो हम एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी चाहते हैं विच विल बी कंपेरेबल टू द फैसिलिटीज इन न्यूयॉर्क सिडनी जगह नहीं है सो so उसके लिए एक नया लोकेशन तय किया गया है झूठे इल्जाम अब मैं आपको बताऊं अब ये कहा जा रहा था कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये एक वैनिटी प्रोजेक्ट है और वैनिटी प्रोजेक्ट का मतलब यह है कि इसकी जरूरत नहीं है और महामारी के दौरान आप इतना बीस हजार करोड़ खर्च कर रहे हैं एक वो आंकड़ा मैंने देखा कहीं और कहा कि तो, तेरह हजार चार सौ का एक आ, मोदी महल बनाया जा रहा है अरे भाई साहब ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं और सेंट्रल विस्टा और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में का उनमें अंतर जो है वो भी न, नहीं मालूम ये प्रोजेक्ट ना अभी शुरू हुआ है ना अभी कंसेप्चुलाइज हुआ है मैं आपको इसका दो उदाहरण देता हूं जो आ, हमारे पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये कुछ सौ वर्ष पहले बनाई गई थी नॉट फॉर द लेजिस्लेचर ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री उस समय हमारे जो जिनकी हकूमत थी उस समय उस समय एक स्वतंत्र भारत के वो बात करने को तैयार नहीं थे इस पे जो काम है महामारी के बहुत पहले ही फैसला ले लिया था कर लिया था और ये क्यों जरूरी है पार्लियामेंट का कई नई बिल्डिंग बनानी इसलिए कि पहले नई पार्लियामेंट जहां पार्लियामेंट बिल्डिंग ज़ोन में आती थी ईश्वर ना करे अगर इफ देर इज अट्रॉन्ग ट्रेमर तो अब यह बिल्डिंग सेजमिक जोन फोर में है जब माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस समय से ये मांग की जा रही है और 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी यह बिल्कुल फॉर्मल प्रपोजल था और एक डिसीजन लिया गया था स्पीकर से अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में यह स्थिति है कि अंदर में उसकी आपने पिछली बारी जब हमने प्रेजेंटेशन किए थे शायद आपके सामने आप में से कई होंगे हमारे बीच कहां से तारे निकल रही हैं अंदर से बिल्डिंग में जो स्थिति है इट इज बियॉन्ड रिडेम्शन So, एक डिसीजन वॉज टेकन टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग और इसका क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है जब हमने इसका टेंडर फ्लोट किया वो आया करीब 900 करोड़ 852 852 फिफ्टी 852 एट फिफ्टी करोड़ आठ करोड़ और जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिस पे काम हो रहा है ये था कोई 400 प्लस करोड़ 477 करोड़ तो टोटल खर्चे की बात है यहां पे 1300 करोड़ के आसपास की और इसमें रिलेशनशिप क्या है विद पेंडेमिक हजार करोड़ का खर्चा आप महामारी के दौरान कर रहे हैं इस पैसे को आप आ, लगाइए वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे भी आई एम क्वाइट हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन पैंतीस हजार करोड़ केंद्रीय सरकार ने वैक्सीनेशन प्लान के लिए एलोकेट किया है और मैंने आज तक कहीं से नहीं सुना माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इसपे पर्सनल मीटिंग्स ली हैं और कोई पैसे की कमी होगी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए तो देर इज एनफ मनी वैक्सीन अवेलेबिलिटी दूसरी बात है उस पे ऑल्सो वी कैन कम एंड फोकस और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं इस में उसमें मैं मिनट में आता हूं बताना चाहता हूं महाराष्ट्र में एक सचिवालय बन रहा है उसका कितना खर्चा हो रहा है एमएलए का हॉस्टल बन रहा है नौ करोड़ का यह तो केंद्रीय सांसद पार्लियामेंट बिल्डिंग है और जिसमें 26 में डिलिमिटेशन के कारण जो नंबर ऑफ मेंबर्स विल इंक्रीज ये जो अभी जो अभी फ्रीज है हमारे करंट नंबर्स पे दैट विल बी लिफ्टेड इन 2026 फिर क्या करोगे पार्लियामेंट के अंदर बंक पे बंक सीटिंग कराएंगे जो कॉन्ट्रैक्ट के ये हैं टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मान लीजिए ये सोशल एक्टिविस्ट जो हैं जिन्होंने ये दिल्ली कोर्ट को पिटिशन किया अगर इनकी बात मानी जाती है और काम रुक जाता है तो क्या कॉन्ट्रैक्टर जो है ठेकेदार जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया विल दे कंटिन्यू टू पे दी आ, वर्कर्स पर्सनल डायरेक्ट कर रहे थे और जो दो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी गई तो इन्होंने हल्ला मचाया खूब हल्ला मचाया कि इनमें से एक कंपनी ऐसी है भारत बायोटेक जिनके जिनके अभी ट्रायल्स ही कंप्लीट नहीं हुए और ये इन्होंने कहा कि आ, इनको किस बेसिस पे दी जा रही है तो भारत बायोटेक के बारे में बोला था कि अभी ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ और दूसरी जो कंपनी बोला इनकी वैक्सीन ठीक नहीं है तो वैक्सीन हेजिटेंसी जिसको कहते हैं कि लोगों के दिमाग में शक डालना एक डाउट क्रिएट करना खूब किया और यही कुछ लोग मैं आप किसी पत्रकार का नाम नहीं लेना चाहता हूं हमारे दोस्त मित्र लोग हैं और हमारे साथ ही पिछले 40-50 साल से मैं उनकी देख रहा हूं और उनकी आप टैब्यूलेट करिए कहे जा रहे हैं कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है वैक्सीन ठीक नहीं है जब समय आया वैक्सीन का जब जरूरत पड़ी और अच्छा इनको वैक्सीन के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है ये कोई नॉर्मल टीका नहीं है जो आप एक केमिस्ट की दुकान में जाके कर दीजिए ये वैक्सीन होती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन जिसने भी वैक्सीन डेवलप किया है उन्होंने इसमें रिसर्च किया है अगर वो अपना फॉर्मूला आपके साथ शेयर भी कर लें तो आपके पास फैसिलिटीज चाहिए उसको कैसे प्रोड्यूस करना ऐसे देखिए आप इन लोगों की स्टेटमेंट्स जो हैं जो रफाल पे बात करते हैं जो इन्होंने स्वच्छ भारत अभियान पर क्या कहा था दे वर ओपनली मॉकिंग द स्वच्छ भारत मिशन मेरी अपनी कोई स्टेटमेंट्स हैं इन लोगों को क्रिटिसाइज करते हुए उसके बाद आगे सेंट्रल विस्टा पे के वैनिटी प्रोजेक्ट है ये फजूल का खर्चा है इन लोगों को हम मैंने कई बार याद करवाने की कोशिश की भाई साहब केंद्रीय सरकार इज दी लैंड ओनर इन डेली और हम गवर्नमेंट ऑफिस के लिए कितना खर्चा करते हैं किराए पे एक वर्ष में करीब हजार करोड़ सैतालीस में वी बिकेम एन इंडिपेंडेंस नेटन बाकी देख, बाकी देशों का भी आप इतिहास देखिए किसी ने 20 साल में किसी ने 50 साल में किसी ने 60 साल में हमारे 100 साल हो गए जब से ये बिल्डिंग्स बनी है और ये बिल्डिंग आज नहीं बनने जा रही सम ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स विल गो ऑन फॉर फोर फाइव इयर्स कल मैंने एक आर्टिकल देखा मेरे को और हंसी आई कि सेंट्रल विस्टा को इम्प्लीमेंट करने में कुछ दिल्ली में सड़कें हैं जिनको ब्रॉडबेस करना पड़ेगा और क्या कब करना पड़ेगा 2039 में अरे में भाई मेरे भाई अभी 2021 में है अभी दो हमने प्रोजेक्ट्स टेकअप किए हैं हमें ऑफिस बनाने हैं सो दैट के हजार करोड़ एनुअल एक्सपेंडिचर में बचत हो और जो टोटल खर्चा आएगा प्रोजेक्ट का टेंडरिंग के बाद पता लगेगा आप बीस हजार करोड़ का अपना ही फिगर लगाई जा रहा है हो सकता चौदह हजार करोड़ हो अभी पीछे दो प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट हमने टेंडर किए बड़े कंपेटेटिव कोर्ट्स थे विद इन फाइव टेन करोड़ ऑफ अदर अच्छा इतनी बड़ी सरकार और इसको हेल्थ उसके साथ जोड़ा जा रहा है भाई इसके साथ मुझे समझ एक प्रोजेक्ट 2012 में कांग्रेस पार्टी कर रही कह रही थी कि, क्या नया पार्लियामेंट बनाए हमने उसका उद्घाटन भी उसका उसका दूमि पूजन उसका पहले किया वॉट इज द इशू एवरी टाइम देर इज अ प्रॉब्लम वी शुड स्टॉप अ कंस्ट्रक्शन हाउ कैन दैट बी